इफ द टाइम ऑफ लाइट ऑफ बुलेट ओवर अ हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज टी, ठीक है, टाइम ऑफ लाइट टी है और हॉरिजॉन्टल रेंज है आर, और फिर टी बात दी गई है, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज। तो देखिए सारे ऑप्शन टेन में दिए हुए हैं और हमारे फॉर्मूले जो होते हैं वो सारे साइन में होते हैं, तो यार एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमें कॉस लाना पड़ेगा तब कुछ मामला बनेगा। तो देखिए रेंज का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि पूरा यू कॉस थीटा की वजह से ये यहां से लेके यहां तक आया है, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लोग ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टोटल टाइम कितना आपको दिया गया है, टी दिया है ना, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही तो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो रेंज ये हो गया यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। आई एम वेरी श्योर कि आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, देखा है या नहीं, बोलिए। आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। और दूसरा टी का फॉर्मूला जो हम जानते हैं बस वही 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो अब बस आप आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, दोनों को आपस में डिवाइड करिए तो थोड़ा कैंसल होना शुरू हो जाएगा, करिए जरा दोनों को आपस में डिवाइड करिए, टी बाई आर कर लिया, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी कर दिया और टी है टू यू साइन थीटा बाई जी, टी डिवाइडेड बाई आर करिए आप जब ये ऐसे करेंगे टी बाई आर इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा इंटू टी। भाई मेनली हमें टेन थीटा लाना है और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि यू कटा जा रहा है, अब टी उस तरफ चला जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है ना, और ये हो जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई जी। आई थिंक आप यही बोल रहे थे, yes, sir. है ना। अच्छा अब उसके बाद क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये मतलब बिल्कुल आईआईटी जेई टाइप का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन वहां पे बहुत आते हैं, बट आप नीट में भी अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वही स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। तो जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कहीं पे हम लोग ने टू मिस किया है, हाँ ये टू मिस किया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये टू यहां पे रहेगा, ठीक है। फिर जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जो होगा उसके साथ टू नीचे आएगा, तो आई थिंक अब आ जाएगा जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर, यानी कि हमारा ऑप्शन वन, समझ गए।